अभी हम अनुदेशकों के मसीहा, अनुदेशकों के लिए अपना जी जान लगाने वाले अपनी सारी यात्राओं को रद्द करके कल इलाहाबाद पहुंच रहे आदरणीय एपीसी सर को सुन रहे थे, और वास्तव में जिस प्रकार से एपीसी सर अपनी बातों को रख रहे थे, अनुदेशकों की कितनी पीड़ा है इसको महसूस करने का कार्य जिस प्रकार से माननीय एपीसी जी कर रहे थे आपने देखा सर। और कल का दिन सर अनुदेशकों के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, और कल आप देखेंगे कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और कल उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के पक्ष में 17,000 का फैसला आएगा सर, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है। तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार अनुदेशकों का शोषण कर रही है, लगातार आप देख रहे हैं कि हमारे पैसे को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार बैठी है, अरे आप 7,000 पाने वाले 9,000 पाने वालों से आप हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हो, वो भी आपके जब सरकारी वकील फेल कर जाते हैं, प्राइवेट वकील को लेकर चले जाते हो जिसकी फीस 4 लाख रुपया है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार अनुदेशकों के शोषण की प्रकाष्ठा को पार कर चुकी है। लेकिन हमें न्यायिक व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। जिस प्रकार से 3 जुलाई 2019 को हम लोगों ने माननीय लखनऊ हाईकोर्ट से इस केस को जीता, और 20 अगस्त 2019 को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट से जीता, उसके बाद सरकार को पैसा देना चाहिए था, लेकिन सरकार को पैसा न देना पड़े इसीलिए सरकार डबल बेंच में चली गई, स्पेशल अपील में चली गई। अरे सरकार को समझना चाहिए हम किससे लड़ रहे हैं, हम तो उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं, हम तो आपके आदेश का, आपके निर्देश का पालन करते हैं, हम आपके विद्यालय में बच्चों की गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। विद्यालय में आज जो मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं उत्तर प्रदेश के विद्यालय में आज 2 करोड़ बच्चों की संख्या हो गई, अरे जरा 13,769 विद्यालयों में जाकर देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, वहां के अनुदेशकों ने कितनी मेहनत की, और ये चिलचिलाती धूप में जब मई जून का महीना था, जब हर आदमी अपने घर में आराम कर रहा था, उत्तर प्रदेश का अनुदेशक उन अभिभावकों के घर गया, चिलचिलाती धूप हो चाहे मूसलाधार बारिश हो, उसको लगा कि यदि हमारी संख्या, हमारी ड्यूटी है उत्तर प्रदेश के, जब मुख्यमंत्री जी ने श्रावस्ती की धरती से संख्या बढ़ाने का अभियान जारी किया था, उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों ने वास्तव में उनके आदेश का पालन करते हुए और प्रत्येक विद्यालय में जहां भी अनुदेशक रखे गए हैं वहां संख्या बढ़ाने का कार्य किया। और जिस प्रकार से लगातार ट्रांसफर की मांग हो रही है, लेकिन सरकार अभी तक आदेश जारी नहीं कर पाई है, हमारे एक एक अनुदेशक जिस प्रकार से 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तय करके विद्यालय जाते हैं, इन महिला अनुदेशकों की पीड़ा को देखिए, इनकी शादी दूसरे जनपद में होती है, इनका मायके दूसरे जनपद में है, ये न ससुराल की हो पाती है न मायके की हो पाती है, इनके एक बच्चे ससुराल में रहते हैं, एक बच्चे मायके में रहते हैं, इनके पति कहीं और रहते हैं, अब आप इनकी पीड़ा को समझिए। हमने देखा है वो बहराइच की वो निगम को 4,000 रुपया किराए के मकान में लेकर वो बहराइच में विद्यालय के बगल में रहती है, अब आप बताइए 7,000 पाने वाला 9,000 पाने वाला अनुदेशक 4,000 रुपया किराया देगा, उसका एक बच्चा में रहता, एक बच्चा बहराइच में रहता, आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की कितनी पीड़ा है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहेंगे, आपको तो पहले ही पैसा दे देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब जल्द फैसला उस आदेश को पालन करिए और उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का समस्त पैसा जो बकाया है, जो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट कल फैसला देगी, उसका पालन करते हुए 9% ब्याज की दर से इनका भुगतान करिए और सारी समस्या का समाधान करिए। ट्रांसफर पोस्टिंग और नई शिक्षा नीति, मोदी जी ने जब नई शिक्षा नीति में हमारे सभी विषयों को मुख्य विषय के रूप में माना, हमको अस्थायी अध्यापक रखने की बात कही गई है जब नई शिक्षा नीति 2020 में, तो उत्तर प्रदेश सरकार तो माननीय मोदी जी के आदेश का, माननीय मोदी जी के निर्देश का पालन करती है, जब वहां से कोई शासनादेश आता है तो भारत सरकार के हटाकर वहां पे उत्तर प्रदेश सरकार कर देती है। फिर अनुदेशकों के मामले में समस्या कहां आ रही है, जब उत्तर पर भारत सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को नियमित करो, उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों ने 10 सालों में विद्यालय की गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य किया, बच्चों के अंदर बच्चों की जो कैपेबिलिटी थी उसको बढ़ाने का कार्य किया, विद्यालय में बच्चों की संख्या को बढ़ाने का कार्य किया, और हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने अनुदेशकों की पीड़ा को समझा, अनुदेशकों के मेहनत को सलाम किया, और तब जो नई शिक्षा नीति 2020 बनी है उसमें अनुदेशकों के सारे विषय को मुख्य विषय के रूप में मानते हुए हमको नियमित करने की बात कही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार न जाने कब इस नियम को लागू करेगी, और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि
इसके अस्थाई अध्यापक रखे जाने चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार को समस्या कहाँ आ रही है? समस्या कहाँ आ रही है? समस्या आपकी नीति में है, समस्या आपके नियत में है। आप अपने नियत को साफ करिए और उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को जाकर देखिए, वो चिलचिलाती धूप में अपने विद्यालय में कितना मेहनत करते हैं। हम तो आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को कहना चाहेंगे कि उन 13,779 विद्यालय में जहां अनुदेशक रखे गए हैं और उन 32,022 विद्यालय में जहां अनुदेशक नहीं रखे गए हैं, दोनों विद्यालय का आप सर्वे कराइए। एक निजी स्वतंत्र कंपनी से सर्वे कराइए। उन अधिकारी जो एसी कमरों में बैठकर रातों रात नियम बदल देते हैं, अभी कह रही थी हमारी अनुदेशक साथी कि जब विद्यालय, जब 16 जून को विद्यालय खुला और जब 16 जून को हम लोगों ने बहिष्कार किया था, तो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक जब 16 जून को विद्यालय नहीं पहुंचा तो इस सरकार को लगा कि अरे इस विद्यालय को कौन चलाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जितने उच्च प्राथमिक विद्यालय है उसको अनुदेशक चला रहा था। और जब 16 जून को उत्तर प्रदेश का अनुदेशक विद्यालय नहीं पहुंचा तो सरकार को अफरा तफरी मच गई और लगभग 24 घंटे के अंदर सरकार ने नियम बदल दिया। जब अपनी समस्या आती है, अपने पे आती है, तो आप नियम बदल देते हो और हम लगातार अपनी मांगों को लेकर आपके समक्ष जाते हैं, उसको आपको पूरा करने में 10 वर्ष लग गए। अरे जरा बड़ा दिल दिखाइए योगी जी, अपने आप को बड़ा दिल दिखा के उत्तर प्रदेश के समस्त अनुदेशकों को नियमित करिए। और हम तो आपके कर्मचारी हैं, आपके दिशा निर्देश का पालन करेंगे। हम बेसिक शिक्षा विभाग को ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए कृत संकल्पित है और हमको कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमें प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? हमने तो 10 वर्षों में माननीय योगी जी अपने को काबिल बना के दिखाया है। हमारी मेहनत को आप देखिए, हमारी मेहनत को सलाम करिए। और 7,000 रुपया में हम तो आपके चैनल के माध्यम से इस देश के महामहिम से लेकर, इस देश के उपराष्ट्रपति से लेकर, इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर, इस देश के सांसदों से लेकर, इस उत्तर प्रदेश के सारे विधायकों से लेकर हम उनको कहना चाहेंगे, जरा 7,000 में अपना परिवार चला के दिखा दीजिए, 9,000 रुपये में अपना परिवार चला के दिखा दीजिए और उस अनुदेशकों की पीड़ा को समझिए जो 150 किलोमीटर की दूरी तय करके एक बच्चा उसका बहराइच की धरती पे, एक बच्चा लखनऊ की धरती पे, एक बच्चा बस्ती की धरती पे, एक बच्चा बलरामपुर की धरती पे, किस प्रकार से वो महिला अनुदेशक जीवन यापन कर रही। और जब 10 वर्षों से उस समय अनुदेशक साथियों की शादी नहीं हुई थी और ये जो प्रकृति का न्याय है, सामाजिक बंधन है, उस बंधन में बंधने के कारण उसकी जब शादी हुई तो हम आपसे क्या मांग रहे हैं? हम तो चांद सितारे नहीं मांग रहे हैं, हम तो धरती आकाश आपसे नहीं मांग रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं? हम तो यही मांग रहे हैं कि हमारी महिला अनुदेशक साथी का आप वहां ट्रांसफर कर दीजिए जहां उसकी शादी हुई है या जहां वो जाना चाहती है। इसमें समस्या क्या है? वहां भी वो जाकर काम करेगी, यहां भी वो काम कर रही है और आपके बेसिक शिक्षा विभाग को आपको ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए कार्य करेगी। और जब वो नजदीक जाएगी तो 9,000 पा रहा है, उसका कुछ बचत होगा। अब आप बताइए, वो जो निगम बहराइच की है उसका यदि 4,000 रुपया बचेगा तो कहां जाएगा? अपने परिवार को लगाएगी, अपने परिवार को लगाएगी, अपने बच्चों का दवा दारू करेगी, अपने बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य दिलाएगी, अच्छी शिक्षा दिलाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अनुदेशकों की पीड़ा को समझ नहीं रही है। लेकिन हमें लगता है कल जब माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना ऐतिहासिक निर्णय माननीय एपीसी जी के नेतृत्व में और हमारी दुर्गा तिवारी जी के नेतृत्व में देगा, तो उत्तर प्रदेश के अनुदेशक कल जय जयकार भी मनाएंगे माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का। और उसके बाद हमें पूरा भरोसा है कि जब माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का कल आदेश आएगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी